बंदे थे, आई थिंक एक हाथ पहले तो एक हाथ बंदा खड़ा हुआ था, फिर उसके बाद आई थिंक मेरी वाइफ वहाँ बच्चे को खिलाने के लिए जा रही थी बॉल्स के लिए, और फिर आई थिंक जितना मुझे मालूम पड़ा क्योंकि मैं तो दूर खड़ा हुआ था, तो जो वो बंदे थे मतलब जो तीन चार बंदे थे आई थिंक एक हाथ पहले तो एक हाथ बंदा खड़ा हुआ था, फिर उसके बाद उनकी शायद वाइफ होंगी सिस्टर होंगी मेरे को नहीं मालूम, वो भी वहाँ खड़ी हुई थी और उनका बच्चा अंदर शायद खेल रहा था बॉल जोन में, तो वाइफ ने बोला और वहाँ के जो गेम जोन के स्टाफ है उन्होंने भी बोला कि आपका टाइम हो गया है तो आई थिंक आप कि अपनी बच्ची को निकाल लीजिए बाहर, तो उन्होंने उनको भी मना कर दिया कि आपको निकालना है हम तो नहीं निकालेंगे, आपको निकालना है तो निकाल लीजिए, तो थोड़ा सा उन्होंने उनसे भी रूडली बात किया, फिर मेरी वाइफ ने बोला कि आपको जो भी करना है क्योंकि मेरी बच्ची भी रुकी है, मेरी डॉटर जो है वो आई थिंक रुक नहीं रही थी, तो उन्होंने बोला कि मतलब वाइफ ने बोला कि आई थिंक आप जाके रिसेप्शन पे बात कर लीजिए आपको जो भी करना है, तो उनको लगा कि कुछ बुरा बोला है तो वो थोड़ा चिल्लाने लग गए, फिर इनको दूर दूर से जोर जोर से चिल्लाने लग गए कि हमारी जो भी मर्जी, मतलब मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं को दूर से देखा कि यार लाइक इसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, मतलब मैंने बोला कि बीच में जाके मैंने बोला कि यार आप सीधे तमीज़ से बात कीजिए, मतलब आप हाथ वात क्यों टच कर रहे हैं, मतलब तो उतने में फिर चिल्ला चोट गाली गलौज होने लग गई। उसके बाद तो आई थिंक फिर वीडियो में आपको दिखेगा कि क्या बोलते हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से, फिर तीन चार बंदे आ गए उन्होंने पूरा मारा है, और उनकी वाइफ ने जो भी है उनकी मदर है उनकी वाइफ है उनकी डॉटर है सिस्टर है मुझे नहीं मालूम, तीन लेडीज थी उन्होंने इनको मेरी वाइफ को मारा है, और बच्ची आई थिंक जब वहाँ खड़ी हुई थी कोने में और भीड़ बहुत हो गई थी तो ये बच्ची भी दब रही थी उधर, मतलब लाइक तो फिर स्टाफ लोग ले गए उधर से इसको बच्ची को उठा के कि बच्ची को लग नहीं जाए, तो C21 का जो मलार मेगा मॉल का स्टाफ है वो गेम जोन वाला वो स्टाफ बच्ची को हटा के ले गए, और इन्होंने दो तीन जगह पे आके मुझे मारा है जो कि वीडियो में दिख रहा है, मतलब लाइक हाँ अभी मैं मेडिकल कराने आया हूँ और थाने में अभी जाके FIR होनी है, मैं आई थिंक जो पता चला है वो एक बंदा पुलिस वाला है और तीन कौन है वो मुझे नहीं मालूम, भूपेंद्र करके है फर्स्ट नेम मालूम है लास्ट नेम मुझे नहीं मालूम, नहीं ये आइडिया नहीं है, मतलब आई थिंक नहीं आइडिया, शायद जूनी इंदौर में सुना है, मतलब मैंने सुना है बट लगा कंफर्म नहीं है मुझे। आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं शालीमार टाउनशिप में रहता हूँ, सचिन जैन। क्या घटना क्रम हुआ था, क्या हुआ? हम लोग मल्हार मॉल में गए थे फन जोन में, मैं मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी 2 साल की, तो जो एक बच्चों का बॉल्स वाला सेगमेंट होता है जिसमें कि बॉल्स में बच्चे कूदते हैं, उस सेगमेंट पे 2 लोग पार्टी ऑलरेडी खड़े हुए थे, और बच्चे तो छोटे होते हैं तो उनको सब्र होता नहीं है, तो जो वहाँ की अटेंडर थी उसने कहा कि आप रुक जाओ क्योंकि ये जो 2 लोग हैं बाहर आएंगे तब आपकी बेटी अंदर जाएगी, तो हम लोग 15 मिनट करीब खड़े रहे। अब बच्ची बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रही थी, उसे जाना ज़रूरी था क्योंकि वो रुकना नहीं चाह रही थी, तो मैंने वो जो बार बार उन लोगों की जो भी बहस चल रही थी उसमें मैंने उस लड़की को ये बोला, मैंने कहा आप एक काम करो इनको इनकी जो भी बातचीत हो रही है वो वहाँ जाकर बात कर ले रिसेप्शन पे या मैनेजर से, लड़ाई जो भी झगड़ा हो रहा है, क्योंकि वो बाहर नहीं आ रही थी उसकी बच्ची। तो उनके साथ करीब 4 लड़के और 3 औरतें थीं, मतलब एक लेडी एक उनकी शायद सिस्टर मुझे नहीं मालूम कौन कौन थे, और 4 लोग लड़के थे उन्होंने हस्बैंड को और मेरे को 2 लोगों ने मारा, और जो लड़कियां थी उन्होंने भी मारा, और वो लात घूसे सब मार रहे थे, सब जगह मार रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि कहाँ है क्या है, हम आप करके बात कर रहे थे, और हम ये भी बोल रहे थे कि आप अनएजुकेटेड लोग हो इस तरह से हरकत कर रहे हो, एक बार नहीं दो बार नहीं, ये सारा सीक्वेंस कम से कम नहीं तो आधे घंटे चलता रहा, और उस आधे घंटे का आपके पास वीडियो भी है जो आपने देखा है जिसमें हमने कहीं भी हाथ नहीं उठाया, हाँ हमने अपने बचाव के लिए धक्का ज़रूर दिया, मैं बार बार उनको अलग कर रही थी, अपने हस्बैंड को अलग कर रही थी कि आप लोग मत झगड़ो एक दूसरे से क्योंकि बच्ची छोटी और बच्ची दब रही है, सब उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, उनके लिए भी मैंने उनको फोर्स किया कि भाई बच्ची को निकलने की जगह दो। कौन लोग थे, नाम तो मुझे नहीं मालूम है कि कौन थे, वो भी वहाँ पर अपनी बच्चियों के साथ आए थे, एक पुलिसकर्मी था, वो बाद में हमें जब हम थाने में FIR कराने के लिए आए तब हमें पता चला कि वो पुलिस वाला था, उसी ने सबसे ज़्यादा मारा, उसने मुझे यहाँ मारा है चेस्ट पे, यहाँ गले में, ये यहाँ साइड में, भूपेंद्र बोल रहे हैं शायद से,
कहाँ पर वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो पुलिस वाला है कोई छोटे जूनियर लेवल पे, कौन सा लेवल है मुझे ये भी नहीं मालूम। हमें ये बाद में पता चला उसी आदमी ने सबसे ज़्यादा मारा। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस ये आज 7:30 से 8 बजे के बीच की, मेरे हस्बैंड आईटी सॉफ्टवेयर हैं, इंजीनियर हैं, और मैं एक प्ले स्कूल और किड्स का वो चलाती हूँ, तो कामिनी।